गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम के बज रहे हैं 5 और आज शाम को व्लॉग करेंगे थोड़ा सा बाइक के साथ। दोपहर में मैं गया था बाइक को वॉश करा के लाया, क्योंकि हिमाचल ट्रिप के बाद बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो अभी बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग यहाँ से निकलेंगे और मैं रास्ते में बताता हूँ आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। एकदम साफ हो चुकी है, पता नहीं थोड़ी सी लाइट कम है, मगर ठीक है, चलो जो भी है। तो जी, गर्मी का मौसम अपनी सीमा पे आ चुका है, मई का महीना चल रहा है और सूरज देवता ने दोपहर में तो कहर बरसा रखा था आज, फिर भी हम हिम्मत करके निकले क्योंकि बाइक वॉश करानी थी और वॉश करा के यहाँ एकदम चकाचक हो चुकी है एकदम। अब ग्लव्स मैंने इसलिए नहीं पहने क्योंकि मेरे ग्लव्स ऑलमोस्ट 3 साल पुराने हो चुके हैं, वॉर्न आउट हो चुके हैं कम्प्लीटली और अब टाइम है नए ग्लव्स लेने का। विंटर तो बाद में लेंगे, अभी जो ऑल वेदर है उसको लेते हैं पहले, क्योंकि विंटर का तो अभी सीज़न है ही नहीं, उसको बाद में देखेंगे। ऑल वेदर ग्लव्स लेंगे, एक आज नहीं, एक दो दिन में चल के लेंगे। कौन से ग्लव्स लेते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले ये क्या है, अच्छा कुछ काम चल रहा है रोड पर शायद। ये आगे को क्यों रखा है, इससे क्या मतलब, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगती है क्या स्कूटी चलाने में? तो भाई चलो काम की बात करते हैं। अब मैं हूँ एक नए हंट पे, एक हंट है हमारा नई बाइक को लेके, तो नई एक छोटी बाइक ढूंढ रहे हैं, छोटी इन द सेंस मतलब थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वगैरह करने का, उस पर देखते हैं। ऑफ रोडिंग वगैरह तो हम इस पर भी करते हैं, आपने देखा कितनी शानदार करते हैं हम लोग, मगर ये बाइक ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है। वो तो हम जाते हैं तो जो रास्ते हैं वो रास्तों से तो हमको निकल के जाना ही है, मगर जो एडवेंचर ट्रेल्स होती हैं, एडवेंचर ट्रैक्स होते हैं, मेरे को वो सीखना है। नई नई चीज़ें सीखते रहें हम तो अच्छा रहता है, और उसके लिए अगर आप एक लाइट बाइक से शुरू करें वो बहुत अच्छा रहता है। अब उस लाइट बाइक में जो मेरी कैटेगरी में, मेरे मेरे बजट में जो बाइक फिट हो रही थी वो हो रही थी एक्सपल्स 200, मगर मैंने सोचा कि स्क्रैम को भी एक बार कंसीडर करते हैं। ये बाइक तो अपने साथ ही रहेगी, इसने तो मतलब जीवन मरण का इसके साथ तो वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, तो कहीं नहीं जाएगी कभी भी। और एक एडवेंचर बाइक चाहिए, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि एडवेंचर टूरर चाहिए मेरे को, क्योंकि एडवेंचर टूरर तो हम लोगों का एक सपना है, मेरा, हितेश का और कौशिक भाई का भी वही सपना है, वो बाइक लेनी है एक दिन। और उस बाइक का नाम है अफ्रीका ट्विन, अफ्रीका ट्विन है हमारा सपना लेना, मगर उसको लेने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि बाइक आती है बहुत महंगी भैया, और पैसे जमा करने पड़ेंगे उसके लिए, तो 10-12 साल तो लग जाएंगे। ऊपर वाले ने चाहा तो कम भी लग सकता है। काम की बात पे आते हैं, एडवेंचर ट्रेल्स, एडवेंचर ट्रैक्स पे आपने चलाना सीखना है और बाकी सारी चीज़ें, तो उसके लिए अलग जगहें हैं सीखने के लिए, गुड़गांव में 2-3 जगहें हैं। तो लाइट बाइक से अगर आप शुरू करें तो अच्छा रहता है, एक साथ ही आपने अगर इतना पैसा डाल के महंगी बाइक ले ली और उसको वहाँ पे गिरा दिया तो नुकसान भी होता है, जेब पे भी दर्द होता है, दिल पे भी दर्द होता है। जिन लोगों के पास BMW 1250 और बाकी बाइक्स हैं जो काफ़ी महंगी महंगी आती हैं, वो लोग भी आई थिंक एक्सपल्स वगैरह से ही शुरू करते हैं अगर उनको ऑफ रोड की ट्रेनिंग लेते हैं जब, या ऑफ रोड ट्रेल्स वगैरह करते हैं, है ना। तो हम भी सोच रहे हैं तो एक्सपल्स ले या स्क्रैम को देखते हैं चल के, और फिर दोनों में से डिसाइड करते हैं कौन सी ले जाए। एक्सपल्स 200 4V जो अभी 4 वाल वाली आ गई, पहले 2 वाल वाली आती थी, उसमें बता रहे हैं कि हाईवे पे भी कभी कभी आप उसको लेके जा सकते हैं। एक दो मैं वीडियो देख रहा था, उसमें लोग लेके जा रहे हैं उसको लद्दाख तक, तो बढ़िया है भाई। अभी हम लोग पहले स्क्रैम को देखते हैं
क्योंकि स्क्रैम में सेम वही हिमालयन वाला इंजन है और एक्सपल्स से ऑलमोस्ट डबल है, पावर भी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी भी हाईवे पे स्क्रैम की ज़्यादा अच्छी है आई एम श्योर, है ना। तो चलते हैं अंदर। ये थी पहली मीटियोर जो हमने चलाई थी यहाँ पे, वो खड़ी है स्क्रैम क्लासिक रिबॉन, और ये इंटरसेप्टर से भी अपनी बहुत ज़्यादा जुड़ी है। इस इंटरसेप्टर को मैं लेके एक दो संडे राइड्स पे गया हूँ, जो रॉयल इनफील्ड वाले यहाँ जो शोरूम वाले जब जाते थे राइड्स पे तो यही बाइक लेके जाता था। तो अभी तो चलते हैं अंदर, देखते हैं स्क्रैम की क्या रिपोर्ट है। तो रॉयल इनफील्ड शोरूम में हम, और डीके भाई ने पेट्रोल डाल दिया उसमें, थैंक यू। अभी हम लेके चलते हैं स्क्रैम को और चलाते हैं, फिर देखते हैं कि स्क्रैम को फाइनलाइज करते हैं या फिर एक्सपल्स, या और अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। आते हैं अभी, द्वार खोल दीजिए, खुले हैं। तो स्क्रैम 411 मैंने लास्ट टाइम चलाई थी, आपको शायद याद होगा जब ये लॉन्च हुई थी बाइक उसके थोड़े दिन बाद, मगर उस टाइम एक रिव्यू के प्रोस्पेक्टिव से चलाई थी कि देखते हैं बाइक कैसी है। मगर बाइक को जब आप रिव्यू करते हैं और बाइक को जब आप परचेस करते हैं तो वो दोनों अलग चीज़ें हैं। तो परचेस करते टाइम एक ओनर के प्रोस्पेक्टिव से आपको बाइक को देखना पड़ता है कि हाँ बाइक वो चीज़ें मीट कर पा रही है जो मेरी नीड्स हैं, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं बाइक से। तो अभी देखो, मेरे को चाहिए एक लाइट वेट बाइक, ठीक है, लाइट वेट बाइक जिसका व्हील बेस थोड़ा बड़ा हो और ट्रैवल सस्पेंशन जिसका अच्छा हो, जो ऑफ रोडिंग ट्रेल्स में जिसको चलाने में मज़ा आए। हालांकि हमारे इंटरसेप्टर भी कम मज़ा नहीं देती ऑफ रोड में, मगर वो बाइक ऑफ रोड के लिए नहीं बनी है। हाँ जी, हम उसमें जो फ्रंट सस्पेंशन है उसमें ऑयल चेंज करके सस्पेंशन को थोड़ा हार्ड बना सकते हैं ऑब्वियसली, मगर फिर भी जो एक एडवेंचर बाइक में मज़ा आएगा वो उसमें मज़ा नहीं आएगा जब तक कि हम उसका फ्रंट सस्पेंशन चेंज नहीं करते, रियर सस्पेंशन को अपग्रेड नहीं करते और दो तीन चीज़ें और नहीं करते, ठीक है। तो इससे अच्छा यार मैंने सोचा कि एक लाइट वेट बाइक देखते हैं। फर्स्ट चॉइस मेरी अभी भी एक्सपल्स 200 ही है, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट बाइक है, मैनोवर में बिल्कुल भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होती कहीं पे भी, और जो अब 4 भी आई है उसमें आप टूरिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो 2 वाल्व से चेंज हो गया 4 वाल्व हो गए हैं, तो उसका जो पावर है और इंजन रिफाइनमेंट थोड़ी अच्छी हो गई है। बाकी मैंने सोचा कि यार थोड़ा ही प्राइस डिफरेंस है इसमें और उसमें, आई थिंक ये 2-3 इसके आसपास ही, 2-10 के आसपास है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 60,000 का डिफरेंस है, मगर हिमालयन स्क्रैम 411 में आपको एक प्रॉमिसिंग इंजन मिलेगा। इसमें सेम इंजन है हिमालयन वाला, तो बिल्कुल भी मेरे ख्याल से हाईवे पे दिक्कत नहीं होगी, और थोड़ा सा बाइक का मतलब वेट इसका बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, तो इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो भी अच्छी रहेगी। एक चीज़ इसमें मिस आउट होती है जो कि है स्विचेबल ABS। तो ABS जैसे हिमालयन में आप सबको पता है कि ABS रियर टायर का आप स्विच ऑफ कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑफ रोड्स, मगर इसमें नहीं है, इसमें सेम वही अपनी बाइक वाला है, स्विच ऑन ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये मेरे को एक छोटा सा ड्रॉबैक लगा, बाकी तो सब ठीक है बाइक में। मतलब ये है ना, देखो एक्सपल्स ले रहे हो आप, फिर कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि यार थोड़ा सा इंजन काश बड़ा होता तो और थोड़ा मज़ा आता, तो यू कैन कंसिडर दिस बाइक, ये सही है। और ये आई थिंक मैंने 2-3 वीडियो देखे थे, दिस बाइक वॉज रियली डूइंग वेल इन ऑफ रोड, मतलब बहुत अच्छा कर रही थी, और मैंने ट्रेल्स पे भी देखा था कुछ लोगों को चलाते हुए अच्छा खासा, मतलब मेरे को आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। बाकी देखते थोड़ा सा, देखिए जब हम हाईवे टूरिंग पे किसी व्हीकल से ओवरटेक करना है तो वी नीड दैट इंस्टेंट पावर, अभी बाइक है थर्ड गियर में, एकदम यू गेट दैट पावर। देखिए बाइक हैज़ ऑलमोस्ट क्रॉस 100, मतलब 100 तक पहुंच गई है आराम से, एज सच कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई। तो पावर डिलीवरी यू कैन सी कितना अच्छा पावर डिलीवरी है स्क्रैम का,
और लाइट वेट है, आपको चलाते हुए ही फील होता है कि बाइक इतनी लाइट वेट है और इजीली यू कैन टैकल दिस बाइक। सबसे अच्छी चीज़ जो इस बाइक की है वो है इसका सीटिंग पोस्चर। सीटिंग पोस्चर एकदम, मैं अपराइट बैठा हूँ और सीट इतनी कंफर्टेबल है कि यू कैन डू आई थिंक 800-900 किलोमीटर्स इजीली इन अ डे विदाउट एनी पेन। मेरी बाइक में भी सीट अच्छी है, मगर टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे लगाए इसलिए बोल रहा हूँ, अभी भी ये सीट मेरी बाइक की सीट से अच्छी है। स्टॉक सीट बहुत ही कम्फी है, बहुत कुशनी सीट है और जैसे ये वाला शेप रहता है, थोड़ा हॉलोनेस रहता है शेप में, तो उससे क्या होता है, दो ये वाला शेप रहता है जैसे इन सीट्स का, तो उसमें एक मतलब स्पेस रहता है कि आपका जो बैक है वो पूरा फिट आ जाएगा उसमें, तो इसलिए आपको पेन नहीं होती। हमारी बाइक्स की सीट अभी तो मेरी ऐसी सीट बनवाई है जो मैंने ऑर्डर पे बनवाई थी सारा सीट से, बाकी हम लोगों की सीट्स में क्या होता है जो फैक्ट्री से आती है, मतलब जो फैक्ट्री सीट्स होती हैं एकदम सीधी होती है, तो ऐसा लगता है आप मतलब फट्टे पे बैठे हो एकदम, इसलिए वो कम्फर्टेबल नहीं होती, क्योंकि वो बाइक का स्टाइल अलग है, इट्स अ कैफे रेसर स्टाइल बाइक जो हमारी है ना जी। बाकी ट्रैफिक में मैं अभी चला रहा हूँ और इजीली आई कैन मूव द बाइक एनीवेयर, एज सच कोई मुझे मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा। लाइट वेट है बाइक और इंस्टेंट पावर देखिए, कहीं पे भी यू गेट दैट इंस्टेंट पावर। एट्टी पे मैं चल रहा हूँ, एज सच अभी मेरे को कोई वाइब्रेशन नहीं लग रहा। हाँ 110 के बाद इसमें हल्का सा वाइब्रेशन है, मैंने लास्ट टाइम भी ये नोटिस करा था, मगर इतना चलता है हाईवे टूरिंग स्पीड 100-110 ही रहती है ना। तो हमने बाइक का सीटिंग पोस्चर देख लिया, सीटिंग कंफर्ट देख लिया, वाइब्रेशंस आपको पता ही है कितनी स्पीड पे आते हैं इसमें और वो भी मिनिमल है। बाकी प्रॉमिसिंग इंजन बाय रॉयल इनफील्ड, ट्रैवल सस्पेंशन अच्छा है इसका, लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा ऑफ रोड में ट्रेल में उतारा था बाइक को, बहुत ज़्यादा नहीं, तो ट्रैवल सस्पेंशन अच्छा है। एक ही ड्रॉबैक मुझे लगा, वहाँ पे मिस आउट होती है बाइक जो है स्विचेबल एबीएस, वो नहीं है बस, बाकी बाइक का जो लुक है अच्छा है। थोड़ा सा स्पीड लेके देखते हैं इस रोड पे, ऑलमोस्ट 120 पहुंच गई थी, देखिए आप सीधी रोड है ये, और मैं टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो अभी तक भी वाइब्रेशन को यह सच फील नहीं हुआ। हीटिंग इशू की अगर मैं बात करूँ तो भाई गर्मियों का सीज़न है, हीटिंग अगर बाइक नहीं करेगी तो वैसे भी ऊपर से तो हीटिंग हो ही रही है तो हीटिंग इशू यार हर कोई बाइक कर देती है, हीटिंग हर एक बाइक में होती है, किसी में थोड़ी किसी में कम, हमारी बाइक में भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसी भी नहीं है कि मैनेज ना हो सके। इंटरसेप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, वापिस आ चुके हैं हम, द्वार खोल दीजिए। अपनी बाइक अलग ही दिखती है, क्या बोलते हो है ना, देखो क्या लग रही है, आज नहा के आई है ना, मैंने सोचा गर्मी हो रही है इसको भी नहला देते हैं। चलो जी, तो स्क्रैम 411 की टेस्ट ड्राइव हमारी हो गई। अब टेस्ट ड्राइव इसकी मैंने पहले भी ली थी जब बाइक लॉन्च हुई थी, मगर उस टाइम ली थी रिव्यू के प्रोस्पेक्टिव से, अभी हमको ख़रीदनी है बाइक, तो इसलिए आज ओनर के प्रोस्पेक्टिव से देखा है चीज़ें। तो अपनी जो रिक्वायरमेंट थी व्हील बेस बड़ा वो इसमें ठीक है, बाकी सीटिंग कम्फर्ट इसमें ठीक है, अपराइट पोजिशन है एकदम, जो आपका ऑफ रोड बाइक रहता है वो सारी चीज़ें ठीक है। इंजन प्रॉमिसिंग है क्योंकि वही हिमालयन वाला इंजन है, तो वाइब्रेशन उसमें बहुत कम है, 120 तक अभी हम गए थे तो ऐसा कोई वाइब्रेशन उसमें थी नहीं। बाकी तो जो चीज़ें भी होंगी हम देखेंगे, क्योंकि कल हमें जाना है अब एक्सपल्स के लिए 204B, उसको देखते हैं फिर शॉर्टलिस्ट करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी बाइक आएगी ठीक है जी। तो गुड्डू भैया थैंक यू, गुड्डू भैया हमको हेल्प कर रहे हैं अभी शूटिंग में, हंस रहे हो है ठीक है जी। ये हमारे गुड्डू भाई और ये पूरा रॉयल इनफील्ड यही संभाल, मतलब इनके बिना यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिलता। बाइक की टेस्ट ड्राइव चाहिए तो इनसे सेटिंग करनी पड़ती है।
अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ, टेस्ट ड्राइव तो मिल ही जाती है। बाकी गुड्डू भैया ने हमारी बहुत हेल्प करी जब मैंने भी अपनी इंटरसेप्टर ली थी, और सर्दियों में हमको खूब चाय पिलाई है इन्होंने मज़ेदार, है ना जी। थोड़ा हंस लिया करो, हैं उदास क्यों, गर्मी बहुत है ना यार। मतलब ऐसा रहता है गर्मी के सीज़न में आप कहीं पे भी बाहर घूम रहे हो, दिमाग ना फिर जाता है एकदम। तभी आजकल रोड रेज इतनी बढ़ गई है, क्योंकि आदमी बाइक चला रहा है, कुछ चला रहा है गर्मी में, साथ वाले ने थोड़ा सा कुछ कर दिया वहीं पे। मगर ऐसा करना नहीं चाहिए, अपना कूल रखो, बॉडी हाइड्रेटेड रखो, सब चीज़ें सही रहती है। तो आज का जो एजेंडा था हमारा पूरा हुआ। अब हम कल या परसों में मिलेंगे आपसे दोबारा से, जब हम एक्सपल्स 200 के लिए जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। गुड्डू भैया वीडियो को एंड कर दें, बाय बोल दिया उन्होंने पहले ही, ठीक है जी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और सजेशंस में आप मेरे को बता सकते हैं, मतलब कमेंट्स में बता सकते हैं अपने सजेशन के दोनों में से कौन सी बाइक कंसीडर करी जाए, या कोई थर्ड ऑप्शन हो। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि मैं काफ़ी R&D कर चुका हूँ। और अगर प्रॉमिसिंग ब्रांड की बात करी जाए, ब्रांड और स्पेयर्स और सारी चीज़ें A to Z, तो यही दो बाइक्स जो शॉर्टलिस्ट होती है, ठीक है जी। तो आपसे जल्दी मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय बाय।